अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तबीन स्टिचिंग। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो है वो एक में अंगरखा जो है वो उसकी आपको कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। ए लाइन शर्ट है अंगरखा की और मेरे पास ये 3 मीटर फैब्रिक है। ईडन रोप की मेरे पास शर्ट थी और ये 3 मीटर फैब्रिक है और इसके दोनों साइड पर बॉर्डर था वो मैंने उतार लिया है, अलहदा कर लिया उसको ना। तो इसके बाद इसके हम जो है सबसे पहले इसका हम फ्रंट साइड कट नहीं करेंगे, बैक साइड कट करेंगे। तो फ्रंट इसकी 2 पार्ट्स में कट होगी और बैक जो होगी वो इसका सिंगल पार्ट है। आपने जितनी लेंथ रखनी है वो जो है वो आप उतनी लेंथ मेजर कर लें और उसको अल पार्ट को अलहदा कर लें। और जितना आपने खुला रखना है, मेरा तकरीबन ये जितना जो इसका अर्थ था 33 इंचीज़, वो मैंने उतना ही खुला रखा है बैक पार्ट। और जो है इसका फ्रंट जो है वो लेंथ जो है वो मेरी 38 है। ए लाइन जो शर्ट होती है वो आपको खुला अपने मर्जी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये 33 इंचीज़ जो मैंने रखा है इस हिसाब से जो है वो तकरीबन शर्ट अच्छी और खूबसूरत लगती है। अगर आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप इसको ए लाइन नहीं करना चाहते तो आप इसको स्ट्रेट जिस तरह रखनी है शर्ट आप उतनी, अगर 24 रखनी है 20 रखनी है ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं स्ट्रेट शर्ट। उसके ऊपर भी जो है इसकी कटिंग जो है वो सेम ही होगी जो मैं अभी आपको बताऊँगी। ये मैंने बैक का पार्ट अलहदा कर लिया और इसको मैं अब डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह और इसको अच्छी तरह आयरन करके इसकी फिर हम कटिंग करेंगे। इसके ऊपर जो है ना फ्लावर्स का प्रिंट है तो इसलिए ये कटिंग करते हैं हम ये ध्यान रखेंगे जो फ्लावर्स की शेप है ना वो ऊपर को सीधी आए। तो जिस साइड से हमने डबल किया वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर रखूँगी मैं 7.5, तीरा जो है 7.5 है और इधर से मैं आर्म होल का निशान लगा लूँगी वो मैं 8 इंचज़ पर लगाऊँगी। और जहाँ से आप अपना जो सादा शर्ट की कटिंग है बिल्कुल उसी तरह की हम कटिंग करेंगे। तो इसके अलावा फिर इसके बाद मैं ये चेस्ट का लगा रही हूँ। ये तकरीबन जो है मैंने इसमें मार्जिन रखा हुआ है मैंने और इसको जो है मेरा 11 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। 10 इंच तक जो है मेरा तैयार होगा, 1 इंच जो है इसमें मार्जिन है। इसका मैं आर्म होल कर्व ड्रा कर लूँगी इस मार्किंग के बाद और उसके बाद इसका 1/2 इंच जो है वो शोल्डर स्लोप में ड्रा कर लूँगी। और इसके बाद जो है मैं हिप का निशान लगाती हूँ। हिप का निशान मैंने 20 इंचज़ पे लगाया है, शोल्डर से 20 इंचज़, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ से 20 इंचज़ तक। और यहाँ पे जो है आप मैंने इसको तकरीबन जो है वो 12 इंचज़ खुला रखा है, यहाँ से मैं 12 इंच पे मार्क कर लूँगी। इसमें मेरा सिलाई का मार्जिन भी है। ऊपर फिटिंग वाले यहाँ से सिर्फ स्लॉट लाइन लगेंगे, फिटिंग वाली कोई लाइन जो है वो नहीं करेंगे ना। तो तिरछी लाइन लगा लेंगे और नीचे से हल्का सा इसको गोलाई की शेप दे दूँगी ताकि ए लाइन शर्ट है इसके कोने जो है वो लटकते हुए जो है वो ना दिखाई दें। तो इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से। इसकी कटिंग के बाद जो हम इसका अब इसका फ्रंट पार्ट जो है वो कट करेंगे। तो इसलिए बैक पार्ट के हिसाब से हमने फ्रंट पार्ट कट करना है तो इसलिए बैक पार्ट की हमने पहले कटिंग की हुई है। फ्रंट में 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट को हम अलग अलग कट करेंगे। एक जो होता है वो बड़ी साइड होती है ओवरलैपिंग वाली और एक छोटी होती है। तो सबसे पहले हम जो बड़े वाली ओवरलैपिंग वाली साइड है वो कट करनी है आपने। तो मैंने ये जो बासात का फैब्रिक था उसी में से मैंने 38 इंच लेंथ का जो है फैब्रिक जो है वो मैंने ले लिया है और इसकी जो है मैंने चुड़ाई जो है वो अभी मैंने कट नहीं की, उसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि इसके साथ जो बचा हुआ फैब्रिक होगा उससे हम जो है बाजू बनाएंगे। इस तरह मैंने इसको बिछा लिया और ये फैब्रिक को जो है मैंने वो ना सिंगल बिछाया हुआ है, इसको डबल नहीं किया हुआ, इस तरह सिंगल बिछाएंगे। और फ्रंट वाली साइड से इधर से जो 4 इंच की स्पेस रख के बैक साइड को इस तरह हम उसके ऊपर बिछाएंगे। कटिंग करते हुए जो ध्यान आपने रखना है कि अगर आपने जो कटिंग की है उसमें जो है वो सब जो जो फ्रंट बैक और जो फ्रंट वाले दोनों पार्ट और बैक दोनों पार्ट जो है वो आपकी इसकी सीधी साइड जो कपड़े की उसको ऊपर रख के आप कट करेंगे, कपड़ा जो है वो सीधा उसको रखेंगे। क्योंकि देखिए मैंने फ्रंट बैक साइड जो है वो भी सीधी है और जो नीचे मैंने फ्रंट साइड के लिए बिछाया है उस कपड़े की सीधी साइड जो है वो ऊपर है। क्योंकि इसमें अक्सर जो है वो यहाँ से ही मिस्टेक होती होती है, यही एक ट्रिकी पार्ट है समझने वाला। क्योंकि अगर इसकी आप उल्टी साइड बिछा देंगे तो वो आगे से लेफ्ट और राइट जो है वो डिफरेंट आ जाता है। तो ये मैं 4 इंच के ऊपर जो है वो मार्क कर रही हूँ। इधर मैंने 4 इंच की एक सीधी लाइन जो है ओवरलैपिंग के लिए इतना कपड़ा मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट में ना, तो इसको यहाँ से मैं मार्क कर लूँगी। इसके बाद जो है आपने अपनी साइड पे जो कपड़ा है फ्रंट इस तरह रखा और उसके ऊपर जो आगे आपने राइट लेफ्ट जो उसकी बैक साइड है वो बिछानी है। पहले 4 इंच का जो है मार्किंग की तरह क्लियर लाइन लगा लें ताकि आपको जो है वो इसका नज़र आता रहे। अब इस लाइन के पास जो है वो बैक साइड आप बिछाएं लाइन के बिल्कुल ऊपर और बैक साइड की जो जुड़ी हुई साइड है ना मतलब जो है मिड है उसका वो इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। ये अभी मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ तो फिर आपको समझ आएगी।
ओपन वाली साइड दूसरी साइड पे जाएगी और जो जुड़ी हुई साइड है वो इस लाइन के साथ आएगी। ये देख लें एक दफ़ा, फिर ये सिंगल ही कपड़ा है तो सिंगल कपड़े के ऊपर इस तरह बिछाना है। ये देखें ये मिड पार्ट जो बैक साइड का मिड पार्ट है ना वो देखें इस इधर बिल्कुल लाइन के साथ आएगा, और जो दूसरी साइड पे आपकी फिटिंग वाली लाइन आएगी। अब इसकी बैक इसी के हिसाब से आप इसको मार्क कर लेंगे और जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसका आर्म होल बैक वाला और बैक साइड वाली जो फिटिंग की लाइन है वो सारी इधर मैं मार्क कर लूँगी और उसको जो है मैं कट कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम जो फ्रंट की जो है वो दूसरी साइड जो है वो कट करेंगे। यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया इसकी, इधर वाला साइड वाला 4 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ के इस तरह, ये हमारी ओवरलैपिंग फ्रंट की ओवरलैपिंग पार्ट जो है वो हमारी बन गई है इस तरह। ये देख लिया, अब इसको जो है मैं इसका जो है फ्रंट का दूसरा पार्ट कट करूँगी। उसके लिए जो मेरे पास दूसरा फैब्रिक होगा इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास बचेगा ना उसमें हमारा बाजू जो है उसकी कटिंग हो जाएगी। तो इसको जो है इसके फ्रंट का दूसरा पार्ट कट करने के लिए मेरे पास जो है दूसरा फैब्रिक है उसमें से जो है मैं इतनी की सेम लेंथ ही ले लूँगी, इतनी 38 इंच मेरी लेंथ है, उसको मैं इसी तरह सीधा बिछा लूँगी। ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक था इसीलिए इजी जो है वो मेरा पूरा आ गया था ये तकरीबन। लेकिन अगर 2 या 2.5 इंचीज का जो है वो है ना आपका शर्ट का पीस तो वो उसमें फिर मुश्किल से कट होगा अंग रखा। ये देखिए मैंने कपड़ा इस तरह बिछा लिया और दूसरा जो है वो मैंने फ्रंट वाले जो पहले कटिंग किया उसको थोड़ा मैंने पीछे कर लिया है। अब इसका भी जो है फूलों का रुख आपने ऊपर को रखना है, और जो इसकी बैक पार्ट है वो मैंने उठाई है दूसरे जो जो हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के कट की थी, इस तरह इसको इस साइड को रख के बिछाना है। अब आप ये देख लीजिएगा कि फ्रंट जो है इसमें डिफरेंट एक साइड पर जो है वो आपकी तरफ किया था आपने जो बैक साइड का जो फोल्डेड पार्ट है, और इसमें अब इसमें दूसरी तरफ करके इस तरह इसको रख के इसकी जो है फ्रंट का दूसरा पार्ट कट करेंगे। ये रिवर्स होती है एक साइड, क्योंकि एक हमारी लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो इस तरह ही कट इसको भी मैंने सीधा ही बिछाया है। तीनों फैब्रिक मैंने सीधे बिछाए हैं, एक मैंने उस तरफ रख के कट किया था ओवरलैपिंग वाला पार्ट अपनी तरफ किया था मैंने, और इसको जो है मैं दूसरी तरफ रख के कट करूँगी इस तरह। इसको भी सेम यह और सिंगल फैब्रिक है ये, इसको याद रखिएगा कि मेरा नीचे वाला जो है ये भी सिंगल फैब्रिक है। इस तरह इसको बैक पार्ट जो है इसके ऊपर मैं अच्छी तरह सीधा करके बिछाऊंगी, और इसको जो सेम इसी तरह बस इसकी आर्म होल की शोल्डर की और इसकी साइड की फिटिंग की सारी जो मैं कटिंग कर दूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। जो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी इसलिए जो मैंने इसके टू पार्ट्स शूट किए हैं, एक कटिंग का और एक जो है वो स्टिचिंग का। तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं इसकी प्रॉपर जो है पूरी स्टिचिंग जो है वो आपको बताऊँगी किस तरह मैंने इसको स्टिच किया है। इस वाले पार्ट में सिर्फ इसकी जो है वो कटिंग है जो मैंने इसको आपको दिखाई है, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाए तो अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए मैंने इसकी सेम कटिंग कर ली, अब मैं इसको बिछा के दिखाती हूँ फ्रंट पार्ट जो है वो आपका किस तरह हुआ। जो इस तरह इसमें भी जो ये फैब्रिक बचेगा ना साइड पे जो, इससे आपका जो है वो बाजू जो है वो दोनों पीसीस से निकल आएंगे इजीली। इसका इतना कपड़ा वो बच जाता है साथ में कि जो है आपका बाजू है वो दोनों बन जाएंगे। बाजू की लेंथ अपने हिसाब से रख लें, अगर बॉर्डर लगा थोड़ी कम बन रही है तो बॉर्डर लगा के इसको थोड़ी लंबा कर सकते हैं। ये देखें ये मेरे पास जो है फ्रंट साइड जो अगर आपने पहनना हो तो ये फ्रंट की लेफ्ट साइड है और ये फ्रंट की राइट साइड है, इस तरह ये ओवरलैपिंग होगी इस तरह। ये आप इसको मार्किंग कर लें ओवरलैपिंग पे जहाँ पे मैंने ये 4 इंच एक्स्ट्रा की लाइन लगाई हुई है, और यहाँ पे मार्क कर लें, और जो बैक साइड जो है ना वो लेफ्ट साइड है फ्रंट की उसको जो है उसके ऊपर भी मार्क कर लें, ताकि जो है आपको यहाँ से मैं मार्किंग करके आपको दिखाती हूँ। फिर आपको जो है वो सीधा रखना जो है वो ईजी हो जाएगा। ये देखें इस तरह ये जहाँ पे जो मैंने दोनों मार्क किए हैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगी तो आपकी बिल्कुल जो है वो शेप जो है वो ऊपर से चौड़ाई वो बिल्कुल ठीक आएगी जितना आपने अपना तीरा रखा था उतना। इसमें गला और ओवरलैपिंग पार्ट की जो कटिंग है वो आप जब स्टिचिंग करेंगे ना उसमें उसकी सारी कटिंग होगी, वो पहले कटिंग इसकी नहीं करेंगे, तो वो स्टिचिंग वाले पार्ट में जो है वो आप इसको चेक कर लीजिएगा। और ये जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक होगा ना इसके ऊपर जो है मैं इसके बाजू कट कर लूँगी, और इसमें जो है गले के नीचे लगाने वाला कपड़ा जो वो इसमें बच जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है उसकी प्रॉपर समझ आ गई होगी कटिंग की, क्योंकि इसका कटिंग जो है वो मेजर पार्ट है। तो स्टिचिंग की वीडियो जो है वो अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।